हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन नोटबुक अकेडमी। आज जो हम करंट अफेयर का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का लेटेस्ट टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट टाइम का टॉपिक है क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। जितने अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा ही जाएगा इससे क्वेश्चन, और एवरी 4 ईयर्स में होता है इसलिए बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई गेम है तो नंबर 1 पर फीफा वर्ल्ड कप आता है, और सेकेंड में हमारा कौन सा आता है, क्रिकेट आता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन बाय वन फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं जो जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले, चाहे जैसे सीजीएल का एग्जाम हो, जेई का एग्जामिनेशन हो, या पीएसयू का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फीफा जो होता है, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप इस बार कब हो रहा है, 2022 में हो रहा है। तो फीफा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो फीफा का जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए फीफा का जो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फीफा का जो फुल फॉर्म होता है उसे आपको जानना होगा, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है, इसे फीफा का वर्ल्ड कप, ये ठीक है फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है, फेडरेशन है, एफ फॉर फेडरेशन, आई फॉर इंटरनेशनली, और डी एफ फॉर फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा सकता जा सकता है, क्योंकि फुल फॉर्म अक्सर पूछा जा सकता है। अच्छा, जो 2022 का कहाँ पे हो रहा है, तो ये कतर में हो रहा है। कहाँ रहा है, कतर में हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, कतर जो है गल्फ कंट्री है, और पहला कोई ऐसी गल्फ कंट्री है जहाँ पे पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इससे पहले किसी भी मुस्लिम कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज नहीं किया। कतर बहुत रिच है क्योंकि गल्फ कंट्री है, पता है यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट क्या है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हो रहा है, तो ये कतर में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, कतर में हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 विच विल हेल्ड इन, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो ये कतर में हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या, कतर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल बिगेन ऑन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग जो हो रहा है वो 21 नवंबर से हो रहा है, यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये फिनिश कब होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो समाप्त होगा वो 18 अक्टूबर 2022 को हो रहा है। कब हो रहा है, 18 अक्टूबर 2022 को एक समाप्त हो रहा है। तो स्टार्ट कब हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर से, और कम्प्लीट कब हो रहा है, ये 18 दिसंबर 2022 को कम्प्लीट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट एक्सपेंसिव फीफा वर्ल्ड कप इन हिस्ट्री। सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया में अगर देखा जाए अब तक जितना भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें से 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है जो कि कतर में हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा महंगा वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा महंगा क्या कहते हैं फीफा वर्ल्ड कप है। कतर जो है बहुत रिच कंट्री है क्योंकि गल्फ कंट्री है, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व वहाँ पे है, और दूसरी बात है पाइप, आपको पाइप स्टेडियम इन्होंने क्रिएट किया है, कतर ने जो 5 स्टेडियम क्रिएट किया हुआ है, बिलियंस बिलियंस रुपीज़ इन्होंने खर्च किया है इस पर, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया के सारे बहुत से देश पार्टिसिपेट करते हैं। इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय इमेज बहुत ज़्यादा बिल्ट अप होती है। इंडिया आपने देखा होगा पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर कतर 2022 हाउ मैनी नेशंस हैव वॉन द फीफा वर्ल्ड कप। तो कहा 2022 में जो कतर में हो रहा है इससे पहले कितने देशों ने फीफा वर्ल्ड कप अभी तक जीता हुआ, टोटल 8 कंट्रीज ने अब तक इससे पहले जो है वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, विच अगला क्वेश्चन क्या, विच नेशन वाज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। कहा जाता है कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहुंचने वाला पहला एशियन कंट्रीज कौन सा है, तो अगर एशियन कंट्रीज की बात करें, एशियन कंट्रीज में तो साउथ कोरिया, कौन सा, साउथ कोरिया जो है वो पहला एशियन कंट्री है जो फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ है, और कब पहुंचा, 2002 में पहुंचा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एशियन कंट्री कौन सा पहला है, तो साउथ कोरिया है। अगला क्वेश्चन क्या था, ऑफिशियल जो स्पॉन्सर है फीफा वर्ल्ड कप 2022 आर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो स्पॉन्सर है वो पहला तो एक कतर एनर्जी है, फिर क्रिप्टो है, तीसरा जो बायजूज है ये इंडियन है कंपनी है, किसे, बायजूज आपने बताया स्टडी वाला कंपनी है। ठीक है, बायजूज कंपनी है, साउथ के एक है उन्होंने खोला हुआ है, इंडियन कंपनी है जो इसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिस विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन एनी, तो ये मैंने पहले बता दिया कि ये पहला ऐसा है कतर, ऐसा पहला फीफा वर्ल्ड कप जो किसी भी गल्फ कंट्री यानी किसी मुस्लिम या अरब कंट्री में होस्ट कर रहा है, तो कतर पहली ऐसी कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री बोल सकते हैं या कहते हैं अरब कंट्री है
या गल्फ कंट्री है जो होस्ट कर रहा है, ठीक है? तो कौन होस्ट कर रहा है? अरब मुस्लिम कंट्री जो पहले है वो कतर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कॉट ऑफ द वर्ल्ड कप 2022? वर्ल्ड कप 2022 का अगर बात करें, जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका जो मास्कॉट है, मास्कॉट काफ़ी फेमस रहता है, लाइव होता है, लाइव लाइव जो भी आप बोल सकते हैं, तो ये इसका मास्कॉट है, याद कर लीजिए। पूछा लाइव लाइव या लाइव जो है ये इसका मास्कॉट है, ठीक है, कतर का। अगला क्वेश्चन क्या था, विच कंट्री वॉन मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप विथ 5 times? क्वेश्चन क्या था, विच कंट्री वॉन मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप विथ 5 times? 5 बार सबसे अधिक सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? ठीक है, ये जीता ब्राज़ील ने। इंपॉर्टेंट, ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार 5 times जो है वो जीता फीफा वर्ल्ड कप। किसने जीता? ब्राज़ील ने जीता। कितने बार जीता है? मैक्सिमम 5 times ब्राज़ील ने जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट फीफा वीमेन वर्ल्ड कप? तो दो कहते हैं फीफा जो वीमेन वर्ल्ड कप, महिला फीफा वर्ल्ड कप जो है कब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो 1991 स्टार्ट हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि 1991 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच नेशन इज द ओनली वन टू टॉप द फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग विदाउट इवन विनिंग ए वर्ल्ड कप? तो कहा जाता है कि एक ऐसा कंट्री है, वो कौन सा कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता नहीं एक बार भी, लेकिन टॉप रैंकिंग उसने अचीव कर ली है? तो बेल्जियम था। कौन था ये? बेल्जियम है। बेल्जियम जो है ऐसी कंट्री है जिसने आज तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन फिर भी टॉप रैंकिंग उसको मिल गई। किसने जीता? बेल्जियम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, क्योंकि 4 ईयर में कोई जगह 4 ईयर में फीफा वर्ल्ड कप होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज अरेंज टॉप इन फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग? इस बार फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग टॉप किसने किया था? ब्राज़ील ने किया। ब्राज़ील बहुत फेमस टीम है, 5 times जो है ब्राज़ील ने जीता है। हु हैज़ बिकम द ओनली प्लेयर टू स्कोर 815 गोल्स इन फुटबॉल हिस्ट्री? तो 815 गोल जो है फुटबॉल हिस्ट्री में किसने किया है? ओनली प्लेयर कौन सा है? तो ये हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस बार सबसे फेमस जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, दो ही फेमस सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 815 गोल किए हैं, 815 गोल्स किए हैं फुटबॉल हिस्ट्री में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें किससे खेलते हैं, कौन से क्लब से? मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से खेल रहे हैं, ठीक है, अभी करंट में। और किस कौन से कंट्री की तरफ से खेलते हैं? कंट्री जो रिप्रेजेंट करते हैं पुर्तगाल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और लियोनेल मेसी किसको करते हैं? लियोनेल मेसी जो करते हैं इसमें वो अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, ठीक है, कंट्री की तरफ से पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। अच्छा, विच इज़ द नंबर वन गेम इन द वर्ल्ड? तो दुनिया में नंबर वन गेम कौन सा? फुटबॉल है। सेकंड नंबर पे कौन है? हमारा क्रिकेट है, ठीक है। और 2018 फीफा वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय, 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है किसने होस्ट किया था? तो रसिया ने होस्ट किया था। किसने किया था? रसिया ने होस्ट किया था 2018 का, रसिया ने होस्ट किया। 2022 कौन है? कतर कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, 2018 फीफा वर्ल्ड कप वाज वोन बाय, 2018 किसने होस्ट किया था? रसिया ने होस्ट किया था। जीता किसने? जीता था फ्रांस ने। किसको डिफीट किया था? किसको हराया था? क्रोशिया को हराया था। कितने? 4-2 से। कितने से? याद कर, 4-2 से हराया था। किसने से हराया था? 4-2 से हराया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ने जीता था क्रोशिया को हरा के। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान रैंकिंग फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग, पाकिस्तान की फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग की बात करें तो 200 है। कितना? 200 है। टोटल कितने? 2011 है, 200 है, 200वां रैंक है उसके, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहते हैं, फीफा अनाउंस्ड को होस्ट ऑफ द 2023 वीमेन वर्ल्ड कप। फीफा ने क्या किया 2023 में जो महिला विश्व कप होगा उसकी सा मेजबानी घोषणा की है, कौन करेगा? एक ऑस्ट्रेलिया करेगा, दूसरा क्या है? न्यूजीलैंड करेगा। तो वीमेन का जो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। अच्छा, फीफा फाउंड कब हुआ था? फीफा जो फाउंड हुआ था 1904 में हुआ था, 1904 में फीफा का फाउंड मतलब फाउंड हुआ था, स्थापना हुई थी 1904 में, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, इन व्हाट ईयर वाज द इनॉग्रल टूर्नामेंट? तो 1904 में फॉर्म हुआ था, लेकिन जो उद्घाटन टूर्नामेंट हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हाउ ऑफन इज द वर्ल्ड कप हेल्ड? वर्ल्ड कप कहते हैं कब ऑफन होता है? हर 4 ईयर, एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में, 4 साल के बाद जो है वो क्या इसका वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो आयोजित किया था। इंपॉर्टेंट है, 4 ईयर्स में हमेशा होता, ठीक है। अच्छा, विच 2 ईयर डिड द शेड्यूल टूर्नामेंट नॉट गो अहेड ड्यू टू द वर्ल्ड वार सेकंड? तो दो बार ही होने हुआ, 1942 और 1946 में जो है ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं आयोजित हो पाया था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो गया था उसमें, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ट्रॉफी कार्ड? जो पहले वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी उसका नाम था जूलियस सीमेट ट्रॉफी। क्या था? जूलियस सीमेट ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है। जूलियस सीमेट ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी? जूलियस सीमेट ट्रॉफी।
क्वेश्चन है, which three country will host 2026 टूर्नामेंट? देखो 2018 रशिया में, 2022 कतर में हो रहा, 2026 कौन होगा? ये यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा, हु डिड जीने जीडान एट बट इन 2006 फाइनल, ठीक है। तो जीने जीडान ने किया गया था कि हेड बट कर दिया था किस खिलाड़ी को, तो मार्को को किया था, मार्को को। इसके वजह से इनको रेड कार्ड मिल गया था, बाहर चले गए थे और इस वजह से उस दिन हार गया था इनकी टीम। अगर जीने डिजाइन उस दिन नहीं जाता तो शायद इनकी टीम उसमें जीत जाती, ठीक है। हु इज द ऑल टाइम लीडिंग वर्ल्ड कप गोलकीपर, हु इज द ऑल टाइम लीडिंग वर्ल्ड कप गोलकीपर? तो मिरोस्लो उसले जो है, ये जो है वर्ल्ड कप के अगर गोल स्कोर देखा ऑल टाइम लीडिंग जो होता तो घोसले हैं, घोसले हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए, ठीक है। हाउ मैनी वर्ल्ड कप डिड पेले विंस, तो पेले जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस महानतम प्लेयर है, क्या कहते हैं, फुटबॉल हिस्ट्री के, ठीक है। इन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है, इनके कैप्टनशिप में जीता गया, ठीक है, 1958 में, 1962 में और 1970, 3 बार इन्होंने पेले ने जीता है, वो महानतम खिलाड़ी। इन व्हाट ईयर वाज मैराडोनाज हैंड ऑफ गॉड इंसिडेंट घटना, कहते हैंड ऑफ गॉड इंसिडेंट, ये जो ना हैंड ऑफ गॉड इंसिडेंट, ये घटना कब हुई थी, 1986 में हुई, कब हुई 1986 में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैंड ऑफ गॉड जो इंसिडेंट हुआ था ये कब हुआ था, 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी वर्ल्ड कप हैज मेगन रापिनो वोन, तो मेगन रापिनो ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, इन्होंने 2 जीते हुए हैं, पहले ने कितने जीते, 3 जीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अफ्रीकन फुटबॉलर इज द ओल्डेस्ट पर्सन इवन टू स्कोर इन वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जिसने स्कोर किया वो रोजन मिला है, रोजन मिला है 42 साल के थे जिन्होंने यहाँ पे स्कोर किया था, ठीक है, गोल किया था। विच कंपनी हैज पब्लिश्ड स्पीकर एल्बम फॉर एवरी वर्ल्ड कप सिंस 1970 से अब तक ये पब्लिश करता है, क्या स्टीकर पब्लिश करता है, स्टीकर एल्बम पब्लिश करता है, कौन है, पानिनी करता है, कौन करता है, पानिनी करता है, ठीक है, ये एल्बम एजेंसी है, कंपनी पानिनी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वार बैन बाई फीफा आफ्टर द 2010 वर्ल्ड कप, तो इसको किया था, वाव्यूजेला जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बैन कर दिया गया था 2010 वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है, फीफा ने बैन कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या था, पूछा जाता है, हु वाज द यंगेस्ट मैनेजर टू विन द वर्ल्ड कप, मैनेजर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें, तो जो अल्बर्टो सुपीकी जो है ये सबसे यंग एज के मैनेजर जिन्होंने वर्ल्ड कप विन किया गया था, ठीक है, इनकी टीम ने विन किया था। वो परफॉर्म द सेव ऑफ द सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट, सेव ऑफ द सेंचुरी अगेंस्ट पेले 1970, तो पेले 1970 में भी जीता था इनकी टीम, और सेव ऑफ सेंचुरी जो होता है इनके खिलाफ जो गोल रोका था, जो गोल कीपर होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रोकते हैं, तो गॉर्डन ब्लैंक को बोला जाता है, इन्होंने सेव किया था कुछ गोल को जो सेव ऑफ द सेंचुरी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टू कंट्रीज मेड देयर वर्ल्ड कप डिब्यूट इन 2018, 2018 में दो जो है कंट्रीज ने अपना वर्ल्ड कप डिब्यूट किया था, कौन था, एक आयरलैंड था, ठीक है, एक और दो पनामा था, आयरलैंड और पनामा जो है ये दो कंट्रियों ने पार्टिसिपेट डिब्यूट किया था 2018 में, और 2022 में कौन, किसने डिब्यूट कौन का किया है, और कतर ने किया, कतर ने इसको होस्ट भी किया और डिब्यूट भी किया है 2022 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन व्हाट ईयर वाज द वर्ल्ड कप फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी, तो टेलीविजन पे अगर देखा जाए सबसे पहले ब्रॉडकास्ट कब हुआ था, 1954 में हुआ था, ठीक है। विच टू इंग्लिश प्लेयर हैव वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड जो वो जीता है वो गैरी लिंकन और हैरी केन ने जीता है, किसने, गैरी लिंकन और हैरी केन ने जीता है। हु मैनेज द बेस्ट जर्मनी व्हेन दे वॉन इन 1990, तो मैनेजर कौन था, तो फ्रेंच थे, बेकने बावर थे, फ्रेंच जो थे उसमें मैनेजर थे जब जर्मनी ने जीता हुआ था 1919 में। हाउ मैनी टीम्स क्वालिफाई फ्रॉम द ग्रुप स्टेज टू द नॉकआउट राउंड, तो 32 पहले पार्टिसिपेट करते हैं, सो नॉकआउट में कितने जाते, 16 जाते हैं, फिर 16 के बाद कितने, 8 हो जाते हैं, फिर 4 हो जाते हैं, फिर 2 हो जाते हैं। हु वाज द टॉप स्कोर इन 2002 फीफा वर्ल्ड कप, 2002 का फीफा वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए टॉप स्कोर कौन था, रोनाल्डो थे, कौन थे, रोनाल्डो थे। विच होस्ट नेशन एट एन ऑरेंज एट देयर टूर्नामेंट मॉस्कोट, मॉस्कोट कहते हैं ऑरेंज किसका था, तो ये किसका था, स्पेन का था 1982 में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है,
who won the best young player award in 2018. 2018 में देखा जाए तो यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिलता, मबापे को मिला, मबापे को. विच प्लेयर स्कोर ए रिकॉर्ड 13 गोल्स इन सिंगल. जस्ट वन मिनट, जस्ट फॉर 19 था इसमें, जस्ट